अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम जाहिद याकूब, योर मैथ्स टीचर। होप सो यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3, नंबर सिस्टम। वी हैव एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स। हमारे पास क्वेश्चन है 2044 बेस 5। अब इस बेस 5 को सिंपल हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? ये जो हम बचपन से काउंटिंग पढ़े ना, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन, 100,000, सो ऑन, ये सब की सब जो सिंपल काउंटिंग है हम उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। यानी अगर मेरे पास लिखा हुआ है 99 और इसके बाहर बेस में कुछ नहीं है तो बेस क्या है? 10। सिंपल बेस इसका 10 है, ठीक है बेटा। इसी तरह अभी जो गिवन क्वेश्चन है 2044 और इसका बेस क्या है? 5 है। इसका मतलब होता है कि बेस सिस्टम के अंदर ये जो अंदर की वैल्यू ब्रैकेट्स में लिखी है, ये वैल्यू इनमें से कोई भी डिजिट 5 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है बेटा। खैर, सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी बेटा, ये क्वेश्चन लिखा 2044, ठीक है। अब इसको ओपन कैसे करना है? 2044 बेस 5 इक्वल का साइन लिखना है बेटा, 2 × 5। सबसे पहले 2 × 5, फिर प्लस लिखना है, ठीक है। इसके बाद 0 × 5 0 × 5 प्लस, इसके बाद 4 × 5 4 × 5 प्लस, अब लास्ट वाला, ये 4 × 5 4 × 5, ठीक है बेटा। जब ये सब लिख लें उसके बाद पावर्स लगानी है। राइट साइड से शुरू करें, आखिरी 5 के ऊपर पावर 0, उससे पिछले 5 पे 1, फिर 2 और फिर 3। तो ये ओपन करने का तरीका आपको समझ आ गया? देखें, डिफरेंट कलर्स के साथ मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। यानी सबसे पहले 2 × 5 होगा प्लस 0 × 5 होगा प्लस 4 × 5 होगा प्लस 4 × 5। अब इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आइए ओरिजिनल शीट से इसको करते हैं, ठीक है बेटा जी। अब ये 2 एज इट इज़ और ये 5 पावर 3 का मतलब होता है 5 × 5 × 5। 5 × 5 = 25 एंड 25 × 5 = 125। देयर फोर यहाँ 2 × 125 आ गया, प्लस एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 5² 5 × 5 होता है 5 × 5 = 25 प्लस 4 एज इट इज़, 5 × 1 = 5 होता है प्लस एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 5 × 0 = 1 होता है, ठीक है। देयर फोर हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब सिंपल डिमेस रूल है, पहले मल्टीप्लाई करें फिर सबको ऐड कर दें। 2 × 125 = 250, 0 × 25 = 0, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, दरमियान में सबके प्लस हैं। इन सब वैल्यूज को प्लस करें तो 274 इज आवर आंसर। नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस आल्सो बेटा जी, ठीक है। ये भी बेस सिस्टम 5 वाला है, बहुत आसान है। क्वेश्चन लिखा हमने, सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, क्वेश्चन की एक्सपेंशन लिखी, यानी 3 × 5 1 × 5 0 × 5 अगेन 0 × 5 पावर्स लिखी, 0, 1, 2, 3, ठीक है बेटा। पावर्स को ओपन किया, 5 × 3 = 125, 5² 25, 5 × 1 = 5 होता है, 5 × 0 = 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा, ठीक है बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 × 125 375 125 25 0 × 5 0 0 × 1 0, इन सबको प्लस किया तो 400 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा जी, हाँ अब की बार क्या है, 7016 बेस 8। अब यहाँ ख्याल रखना है बेस 8 का क्वेश्चन है, बेस 5 का नहीं है, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, हेडिंग के बाद क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को एक्सपेंड किया, यानी 7 × 8 0 × 8 1 × 8 एंड 6 × 8। जैसे पावर 5 में लिखी थी वैसे ही पावर शुरू करें, राइट मोस्ट साइड से पावर 0, पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3। अब इन पावर्स को ओपन भी करना है, 7 एज इट इज़, 8 पावर 3 क्या होता है? 5 = 12, 8 पावर 2 64, 8 पावर 1 8 एंड 8 पावर 0, पावर 0 किसी भी नंबर की होगी तो आंसर 1 आएगा, ठीक है बेटा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उनको प्लस कर दें तो 3598 इज इट इज़ आवर आंसर इन डेसिमल सिस्टम। बेस 8 का क्वेश्चन हो गया बेटा, ये भी बेस 8 का क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। अब एक बेस सिस्टम 2 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? 101 बेस 2, 101 लिखा बेटा, एक्सपेंशन लिखी, 1 × 2 0 × 2 एंड 1 × बेस 2, पावर्स 0, 1, 2, ठीक है। 1 × 2 = 2 कितना होता है? 4, 2 to the 4, 2 power 1 2 होता है, 2 power 0 खाली 1 होता है, ठीक है।
इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 1 द 4 प्लस 0 2 द 0 प्लस 1 1 द 1, सो 5 इज द आंसर। यहाँ बेटा थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको आप छोड़ दें, ये आपने सिंप्लीफिकेशन वहाँ से टाइपिंग एरर है, ठीक है, तो 5 इसका आंसर होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, 7016 बेस 8। अब इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई इशू है, यू आर फील फ्री गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 एंड इट इज़ अबाउट नंबर सिस्टम। वी हैव एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। वी हैव अ पार्ट 3 ऑफ बेस 2, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 बेस 2। सोल्यूशन की हेड लिखिए बेटा, क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था, 1 मल्टीप्लाई बेस 2, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई बेस 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बेस 2, 0 मल्टीप्लाई बेस 2, ठीक है। उसके बाद अब फिर 1 की बारी, 1 मल्टीप्लाई बेस 2, 1 मल्टीप्लाई बेस 2, 1 मल्टीप्लाई बेस 2, लास्ट में 0 है, 0 मल्टीप्लाई बेस 2। जब आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो राइट साइड से आपने बेस की पावर्स लगाना शुरू कर देनी है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 पावर्स हो गई बेटा, ठीक है। अब इनको ओपन करना है, 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 6, 2 पावर 6 को ओपन किया तो ये 64 बनता है, फिर प्लस एज इट इज़ 2 पावर 5 32 होता है, 0 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 4 16 होता है, प्लस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 3 8 होता है बेटा जी, ठीक है, प्लस एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 2 पावर 4 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 0 1 होता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई, अब इन वैल्यूज़ को अब सिंपल इनको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, यानी 1 64 द 64, 1 32 द 32, 0 into 16 0, 8 1 द 8, 1 4 द 4, 1 2 द 2, 0 1 द 0, इन सबको प्लस करें तो 110 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, 101 बेस 2, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, चलिए आज दोबारा कर लेते हैं इसको, इसको भी बहुत आसान से एक्सपेंड कर सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई बेस 2, 0 मल्टीप्लाई बेस 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बेस 2, फिर पावर 0 1 एंड 2, ठीक है बेटा। 1 एज इट इज़ 2 पावर 2 4 होता है, प्लस 0 एज इट इज़ 2 पावर 1 2 होता है, प्लस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 0 1 होता है, 1 4 द 4, 0 2 द 0, 1 1 द 1, प्लस किया 5 इज द आंसर। अब आपके लिए क्या होमवर्क है कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अपनी कॉपी पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद मैं फ्राइडे को आपसे होमवर्क चेक करूँगा कि आप अपनी अपनी कॉपी मुझसे शेयर करें, तस्वीरें खींचें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। और बेटा ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये दोनों करके आपने मुझे चेक करवाने हैं, ओके बेटा जी, दिस इज़ इट। अगर इन क्वेश्चंस के बारे में कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, यू आर फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी, मतलब आप मुझसे कोई भी एक्सरसाइज नंबर 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अबाउट एवेल्यूएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2 5 एंड 8। एवेल्यूएट मीन सॉल्व करना, और एक्सप्रेस कैसे करना है बेस 2 5 8 में, ये मैं आपको फिर आज ये सिखाता हूँ, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, अब हमारे पास क्वेश्चन है, 75 प्लस 1 बेस 8 प्लस 1 3 4 2 बेस 5 प्लस 1 00 1 1 1 बेस 2, ठीक बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना है, सबसे पहले 75 बेस 8 को ओपन किया, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 5 मल्टीप्लाई 8, और फिर 8 की पावर्स हैं 0 और 1, ठीक है बेटा। 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 8 पावर 1 8 होता है, प्लस एज इट इज़ 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 8 पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, ठीक है बेटा, ये यहाँ रफ में भी दिखाया हुआ है। अब 7 8 द 56, 5 1 द 5, 56 प्लस 5 61, ठीक है बेटा, ये 75 बेस 8 का आंसर आ गया। अब सेकेंड हिस्सा करते हैं, 1 3 4 2 बेस 5, तो 1 3 4 2 बेस 5 को इक्वल का साइन लिखा बेटा, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 5 की पावर 0 1 2 एंड 3 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एज इट इज़ 5 पावर 3 125 प्लस 3 एज इट इज़ 5 पावर 2 25 प्लस 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 पावर 1 5 होता है, प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 पावर 0 1। सिंप्लीफाई करें, 1 into 125 125 प्लस 3 into 75 25 75 हो गया, 4 5 20 हो गया, प्लस 2 1 2 हो गया, इन सबको प्लस किया तो 2 2 2 आंसर। नेक्स्ट अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 00 111, ठीक है बेटा जी, देखें बेटा, ये देखें तीसरा हिस्सा इसका,
1001 बेस 2 है, इसको एक्सपेंड करें, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस 2। अब जितनी बेस 2 हैं उनकी पावर्स लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए राइट साइड से लगानी है पावर्स, फिर इक्वल का साइन 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 5 32 होता है, प्लस 0 एज इट इज़ 2 पावर 4 16 होता है, प्लस 0 एज इट इज़ 2 पावर 3 8 होता है बेटा जी, फिर प्लस 1 एज इट इज़ 2 पावर 2 4 होता है, प्लस 1 एज इट इज़ 2 पावर 1 2 ही है, प्लस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर 1। इसको सॉल्व किया तो 39 आ गया। नाउ क्वेश्चन दोबारा लिखें, ठीक है, और जो एक्सपेंड करने से इनका आंसर है वो लिखें। 75 बेस 8 का आंसर 61 है, 1342 बेस 5 का आंसर 222 है, 100111 बेस 2 का आंसर 39 है। इन सबको प्लस किया तो क्या आ गया, 322 आंसर। अब 322 हमारे पास आंसर है, अब इन सबको एक्सप्रेस करना है बेस सिस्टम 2, बेस सिस्टम 5 एंड बेस सिस्टम 8 में। कैसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। हमारे पास है 322, ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाएं, 2 के टेबल से डिवाइड करें, 2 वन द 2, जिस बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसी से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन या इसकी डिवीजन करेंगे। 1 कैरी 12 हो गया, 2 सिक्स द 12 एंड 2 वन द 2 161। जब 2 वन द 2 हो गया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं भेजा डिवीजन में, तो रिमाइंडर 0, वो रिमाइंडर साइड पे लिख लें आप। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 एट द 16, 2 जीरो द 0, तो रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 40 द 80, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 80 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0। फिर 2 20 द 40, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 0। फिर 2 10 द 20, रिमाइंडर 0। फिर 2 5 द 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 2 द 4, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर 2 1 द 2, रिमाइंडर 0, ठीक है बेटा, ये डिवीजन होगी। अब इस डिवीजन, यही डिवीजन में जो रिमाइंडर बचे हैं ना, वो हमारे आंसर हैं, जो रिमाइंडर बच गए हैं वो हमारे आंसर हैं। तो आंसर लिखने का तरीका, बॉटम से शुरू करें बेटा, ठीक है, बॉटम से शुरू करें और टॉप की तरफ चलते जाएं, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा जी। तो देखिए आंसर है 1 0 1 00 00 10, ठीक है, ये सारे रिमाइंडर्स मिलके आंसर बन गया। इसी तरह अब इस 322 को बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड करें, 5 6 द 32 बच गया 22, ठीक है, 5 4 द 20, बाकी बचा 2। फिर 5 से डिवाइड करें, 5 1 द 5, 14 हो गया, 5 2 द 10, बाकी बचा 4, 5 2 द 10, बाकी बचा 2, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आ गया, 2 2 4 2, ओके, ये आंसर आ गया 2 2 4 2 बेस 5। अब इसी को 8 मिनट कन्वर्ट करना है, 3 2 2 बेस सिस्टम 8, 8 4 द 32, 8 0 0, बाकी बचा 2। फिर 8 से डिवाइड करें, 8 5 द 40, बाकी बचा 0, मजीद डिवीजन नहीं हो सकती, सो आंसर इज 502 बेस 8, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले क्वेश्चन को एवेल्यूएट करने के लिए एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यूज आई उनको एज इट इज सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से आंसर आया 322। उस 322 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया बेस सिस्टम 2 में, 5 में और 8 में, ठीक है बेटा। अब आपके लिए थोड़ा सा, ये थोड़ी सी आपको डिवीजन सिखाई भी है मैंने, ठीक है, किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपने एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 को अटेम्प्ट करना है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होते तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा दोबारा से, ठीक है, दिस इज इट। अगर इस क्वेश्चन के बारे में एक्सपेंड करना तो हमें पहले से आता था, सिर्फ कन्वर्ट करना हमने सीखा है, एक्सप्रेस करना सीखा है बेस 2, 5 और 8 में। फिर भी अगर कोई क्यूरी है, टू फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड द क्वेश्चन इज एवेल्यूएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस सिस्टम 2, 5 एंड 8। क्वेश्चन हमारे पास है 248 प्लस 3124 बेस 5 माइनस 110110 बेस 2। सॉल्यूशन की हेड लिखी बेटा, क्वेश्चन दोबारा लिखा, एक्सपेंड ने 248 को ओपन किया तो 248 बेस 8 यानी बेस 10 में 248 ही रहेगा। 3124 बेस 5 को ओपन किया, एक्सपेंड किया जिस तरह 3.1 में किया था, तो देखें बेटा इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा,
थ्री मल्टीप्लाई फाइव, वन मल्टीप्लाई फाइव, टू मल्टीप्लाई फाइव एंड फोर मल्टीप्लाई फाइव आ गया। जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइव की पावर्स राइट साइड से शुरू करें, फाइव पावर जीरो, फाइव पावर वन, फाइव पावर टू और फाइव पावर थ्री। फाइव पावर थ्री का मतलब है फाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फाइव फाइव द 25, 25 फाइव द 125। बेटा ये 125 आ गया प्लस वन एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़, फाइव पावर टू 25 होता है, प्लस टू एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़ फाइव पावर वन 5 होता है, प्लस एज इट इज़ फोर एज इट इज़ मल्टीप्लाई फाइव पावर जीरो 1 होता है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ऐड कर दिया तो 414 आंसर आ गया। अब ये वाला हिस्सा है 110, 110 बेस 2। तो देखें बेटा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब 2 की पावर्स राइट साइड से शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन पावर्स को ओपन करना है, 1 एज इट इज़ 2 पावर 5 32 होता है, प्लस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 4 16 होता है, प्लस एज इट इज़ 0 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पावर 3 8 होता है, प्लस एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 2 पावर 2 4 होता है, प्लस एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 2 पावर 1 2 होता है, प्लस 0 एज इट इज़ एंड 2 पावर 0 1 होता है। अब इस सबको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। 1 इंटू 30 32, 0 इंटू 16 16, 0 इंटू 8 0, 1 4 द 4, 1 2 द 2 एंड 0 1 द 0। इन सबको प्लस किया बेटा तो 54 आ गया हमारे पास। अब एक्सपेंड हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे बेटा, देखें। नाउ क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, एक्सपेंशन से जो वैल्यू है वो लिखी, 248 का 248 एज इट इज़ प्लस 3124 बेस 5 की जगह 414 एंड माइनस 110 बेस 2 की जगह 54 आ गया। इन सबको सिंप्लीफाई किया तो 608 इज़ आवर आंसर। अब 608 को आपने बेस सिस्टम 2, 5 और 8 में कन्वर्ट करना है, तो बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करें, 23 द 6, 200, 24 द 8, बाकी बचा 0। फिर 2 से 21 द 2, 1 कैरी 15, 10, 25 द 10, 22 द 4, रिमेनर 0। अगेन 2 से 27 द 14, 1 बच गया बेटा 12 हो गया, 26 द 12, रिमेनर 0। फिर 2 से 23 द 6, 28 द 16, रिमेनर 0। अगेन 2 से 21 द 2, 29 द 18, बाकी बचा 0। फिर 2 से 29 द 18, बाकी बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करना है, 24 द 8, बाकी बचा 1। अगेन 2 से 22 द 4, बाकी बचा 0। लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1, 21 द 2, रिमाइंडर 0 लास्ट में, ठीक है बेटा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ से, ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली आप इसे बेस सिस्टम 2 से 8 में और 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस और आपको लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 4 एंड 5। अगर इन क्वेश्चंस के बारे में कोई क्यूरी है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह।